सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। एंड आज हम लोग लीफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट का हम लोगों ने रूट और स्टेम कंप्लीट कर लिया था, बट अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हो, ठीक है। तो लीफ को हम लोग कंप्लीट यहाँ पर पढ़ेंगे, एंड NCERT फुली बेस्ड है, तो आई होप आपको देखना चाहिए पूरा, NCERT से है तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर BSc नर्सिंग पैरामेडिकल एंड BSc एग्रीकल्चर एस्पायरेंट। तो एक बारी से वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को क्या करना है, आप लोग को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं ये वाला जो टॉपिक यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, एंड सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीफ है, ठीक है। तो यहाँ पर लीफ का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग एक बार इसे हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। लीफ इज ए थिन एक्सपांडेड ग्रीन स्ट्रक्चर, ठीक है। सब लोगों को पता है द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण फ्लावर क्या कहते हैं, लीफ का जो कलर है वो ग्रीन होता है। इट इज एक्सोजीनस इन ऑरिजिन, ठीक है। एक्सोजीनस मतलब बाहरी में पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ बॉर्न ऑन द स्टेम एट द नोड, स्टेम स्टेम का नोड 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 के पास से यहाँ पर बॉर्न होता है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। एंड एक्जिलरी बड इज ऑफेन प्रजेंट इन द एक्साइल ऑफ ईच लीफ, ठीक है। एक्जिलरी बड वहाँ पर ग्रो होता है, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ईच लीफ के बाद, ठीक है। इट हैज़ लिमिटेड ग्रोथ, ये लिमिटेड ग्रोथ का होता है, इसका कोई सेपरेट मतलब क्या होता है, लिमिट ग्रोथ होता है, उसके बाद ये ग्रोथ होना बंद हो जाता है, ठीक है। इट डज़ नॉट पॉजेस एपिकल बड और रेगुलर ग्रोविंग पॉइंट, ठीक है। एपिकल बड और रेगुलर ग्रोविंग पॉइंट इसमें नहीं होता है, ये रिमेम्बर कर लेना आप लोग। फिर हम लोग आगे सेकेंड पेज की ओर, एंड यहाँ पर है पार्ट्स ऑफ टाइपिकल लीफ, ठीक है। टिपिकल लीफ का यहाँ पर पार्ट्स बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में। तो यहाँ पर लीफ बेस कह सकते हैं, या तो फिर हाइपोपोडियम, इनमें से कोई भी एक आप इसका नेम दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो पार्ट है लीफ का, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ लीफ अटैच टू द स्टेम और ब्रांच इज नॉन एज लीफ बेस, ठीक है। कोई भी पार्ट जो लीफ का कोई भी पार्ट जो ब्रांच से अटैच होता है, ठीक है, उसे कहते हैं लीफ बेस। जैसे कि ये फ्लावर, ये क्या कहते हैं, ये है लीफ, एंड इसका जो बेस जो है वो अटैच्ड स्टेम से, तो इसको कहते हैं लीफ बेस इस एरिया को, ठीक है। एंड इन सम लिग्युमिनस प्लांट द लीफ ब्लेड मे बिकम सोलन विच इज़ कॉल्ड पैल्वेनस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सोलन मतलब फूला पार्ट है, ठीक है, ये लीफ बेस यहाँ पर फूला हुआ है। फिर यहाँ आगे हम लोग लैमिना और एपिपोडियम, ठीक है। लैमिना क्या कहते हैं, लैमिना किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। दिस इज द लार्जेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन एंड फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द लीफ, ठीक है। लैमिना सबको पता है, ये वाला जो आउटर लेयर है उसे कहते हैं हम लोग लैमिना। फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द लीफ इट प्लेज ए वाइटल रोल इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में काफ़ी मतलब मदद करता है। एंड गैसियस एक्सचेंज, गैसियस मतलब कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज का। एंड ट्रांसपिरेशन द लीफ इज़ नॉन एज डॉर्सी वेंट्रल, एंड ऐसी लीफ को हम लोग डॉर्सी वेंट्रल लीफ करते हैं। वैन इट्स वेंट्रल सरफेस इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्राम डॉर्सल सरफेस, ठीक है। वेंट्रल सरफेस इज डिफरेंट फ्राम डॉर्सल सरफेस डाइकोटिलेडोनस लीव्स में, डाइकोटिलेडोनस लीफ में ये डिफरेंट होता है, ठीक है। द लीव्स हैविंग बोथ सिमिलर सर्फेसेस आर कॉल्ड आइसो बाइलेटरल, सच लीव्स आर फाउंड इन मोनोकोट प्लांट। जिसका सिमिलर सरफेस होता है उसे आइसो बाइलेटरल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लैमिना कंप्लीट कर लिया, ठीक है, लीव्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे लीफ वेनेशन, वेनेशन क्या होता है इसके बारे में अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे, पर सबसे पहले यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वेनलेट्स, ठीक है, वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट को कहते हैं हम लोग क्या, वेनेशन। इन द लेमिना इज नॉन एज वेनेशन, द वेन्स आर इन फैक्ट कंडक्टिंग स्टैंड ऑफ लेमिना, दे आर कंसर्न विद कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल सॉल्ट एंड फूड एंड फ्रॉम द स्ट्रक्चर फ्रॉम वर्क फॉर द लेमिना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लेमिना किसे कहते हैं, ये जो वेन्स एंड वेनलेट्स दिख रहा है, मतलब कि वेन्स और वेनलेट्स जितने भी दिख रहे हैं ये सारे हम लोग इसी को कहते हैं हम लोग वेनेशन, ठीक है। तो इसे ही वेनलेट्स कहते हैं, एंड ये हो सकते हैं पैरेलल भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हो ये, जैसे कि आप लोग देखते हो गन्ने के लिप्स में एंड बनियान के लिप्स में।
ठीक है, अभी हम लोग आ गए हैं ये वाला रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, व्हेन द वेन्स एंड वेनलेट्स फॉर्म ये नेटवर्क इट इज़ कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। ये नेटवर्क नेटवर्क यहाँ पर किया गया है ना, बहुत ज़्यादा मतलब जाल में फैला हुआ, फिर इसका भी अटका हुआ है, तो इसे कहते हैं नेटवर्क वेनेशन। हियर इज़ द मिडरिब सेंट्रली प्लेस। ठीक है, ये मिडरिब है, ये सेंट्रली यहाँ पर मतलब प्लेस्ड है, ये मिडरिब है, ये सेंट्रली प्लेस्ड है। ठीक है, एंड वेन्स एंड वेनलेट्स रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेटरली। लेटरली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज़ फाउंड इन डाइकोटिलेडनस प्लांट। ठीक है, डाइकोटिलेडनस प्लांट में ये पाया जाता है। फिर यहाँ आ गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मिड वेन्स। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, और यूनिकोस्टेट विद ए सिंगल मिड वेन एंड मल्टी कोस्टेट विद टू और मोर प्रोमिनेंट वेन्स। जैसे कि यहाँ पर मल्टी कोस्टेट है, उसको इसमें मल्टीपल क्या कहते हैं, मल्टीपल वेन्स होते हैं, एंड यूनि में सिमल सिंगल होते हैं। एंड यहाँ पर एग्जांपल्स भी हैं, ये मल्टी आई थिंक यहाँ पर एग्जांपल्स भी हैं, जिजिफस एंड मैंगो। ठीक है, एंड अभी आ गए हम लोग पैरेलल वेनेशन में, वो तो हम लोग पढ़ लिए वेनेशन का, ये हम लोग पढ़े थे सॉरी ये हम लोग रेटिकुलेट पढ़े थे, अभी हम लोग आ गए पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल पढ़ते हैं। इन दिस टाइप वेनेशन वेन्स इज लेमिना रन ऑलमोस्ट पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर देख लो ये वाला, ये पैरेलल ही है। इट इज़ फाउंड कॉमनली मोनोकोटिलेडनस प्लांट। मोनोकोटिलेडनस प्लांट में पाया दैट इज़ फॉलोइंग टू टाइप। यहाँ पर भी है यूनिकोस्टेड बनाना एंड मल्टी कोस्टेड, मल्टी एंड यूनि। ठीक है, मल्टी एंड यूनि इसमें बनाना है, इसमें है ग्रास राइस बम्बू। ठीक है, जैसे कि ये वाला हो गया, ये मल्टी हो गया, ये मल्टी हो गया, एंड यहाँ पर देख लो यहाँ पर ये पैरेलल है, पैरेलल वाला ही है, लेकिन यहाँ पर मल्टी है, यहाँ पर यूनी है, सिंगल सिंगल गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग पैरेलल वेनेशन कहते हैं। अब हम लोग आ गए यहाँ पर, ठीक है, सिंपल लीफ, लीफ का प्रकार। ठीक है, तो लीफ का प्रकार सिंपल और कंपाउंड लीफ होता है, ये आप लोगों को पता है। यहाँ पर देख लो सिंपल, यहाँ पर कंपाउंड, तो यही होता है। एंड सिंपल लीव्स आर दोज इन विच सिंगल लीफ ब्लेड और लैमिनाइज पर्सन। ठीक है, सिंपल लीफ ब्लेड, सिंगल लीफ ब्लेड, ये जो सिंगल लीफ ब्लेड दिख रहा है और लैमिना पर्सेंट होता है, उसे सिंपल लीफ कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंगो पीपल पपाया, उसमें सिंपल लीव्स होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कंपाउंड में। कंपाउंड लीव्स आर दोज इन विच लीफ ब्लेड और लेमिनाज डिवाइड इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट नॉन एज लीफलेट और पिनाई। द लीफलेट नेवर बी ए रेगुलरी बर्ड इन एग्जाइल। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख सकते हो, मल्टीपल यहाँ पर है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो इसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक है, एंड कंपाउंड लीफ का ये जो है पिनेटली कंपाउंड लीव्स, उसे पढ़ लेते। ठीक है, फिर इन दिस टाइप द लीफलेट आर प्रेजेंट लेटरली ऑन ए कॉमन एक्सिस कॉल्ड रचेस। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट लेटरली, देख सकते हो यहाँ लेटरली है, एक दूसरे के विपरीत है। रिप्रेजेंट मिडरिब ऑफ द लीफ, मिडरिब के लीफ के अपोजिटली साइड है, इसे कहते हैं, जैसे कि गोल मोहर हो गया, कैसिया हो गया। ठीक है, देर आर फोर काइंड ऑफ पिनेटली कंपाउंड ऑफ लीव्स। यहाँ पर हम लोग चार टाइप के क्या कहते हैं हो लिप्स हो सकते हैं इस टाइप के, यूनिपेंडेड, बाईपेंडेड, ट्राईपेंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों की एग्जांपल दिए हुए। ठीक है, ये यूनी का हो गया, ये यूनी है, इसमें सिंगल सिंगल लिप ऑपोजिटली है। एंड यहाँ पर देख सकते हो, ये भी यहाँ पर यूनी है, बट यहाँ पर दो दो पत्ते देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बाईपेंडेड हो गया एंड यहाँ पर ट्राईपेंडेड हो गया। देख सकते हो यहाँ पर तीन तीन पत्ते हैं। देखो इसमें इसमें दो है, फिर एक है, फिर दो है, फिर एक है, तो इसे हम लोग इस तरह से यहाँ पर डिवाइड किया गया। ठीक है, कंपाउंड लीफ को। फिर हम लोग आ गए हैं पालमेटली कंपाउंड लीव्स। ठीक है, पालमेटली कंपाउंड लीव्स में क्या हो सकता है, देख सकते हो यहाँ पर पालमेटली कंपाउंड लीव्स, ऑल द लीफलेट ऑन द पालमेटली कंपाउंड लीव्स आर अटैच्ड ऑन कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट में अटैच्ड होता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर कॉमन पॉइंट ये रहा, एंड यहाँ पर सारे लीव्स जितने भी यहाँ से निकले, मैंगो ट्री के एग्जांपल यहाँ पर, ये सारे कंपाउंड लिप्स में ही आते हैं, एंड इसे कहते हैं हम लोग पार्मेंटली कंपाउंड लिप्स। ठीक है, एक में ही अटैच होता है इसे। देर आर फाइव टाइप्स ऑफ, ये पांच प्रकार के हो सकते हैं, यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, क्वाड्राफोलिएट, मल्टीफोलिएट। ठीक है, मल्टीफोलिएट, एंड यहाँ पर सारे एग्जांपल है। ठीक है, यूनिक का है, बाई का है, ट्राई का है, मतलब ये सारे कॉमन एक ही पॉइंट में जुड़े हुए हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर
तो इसे हम लोग इस तरह से यहाँ डिवाइडेड है कंपाउंड लीफ का ये पार्ट। एंड इसी तरीके से यहाँ पर जो फाइलोटैक्सी दिख रहा है, फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट लीव्स, ठीक है, ये अरेंजमेंट लीव देख सकते हो, ये फाइलोटैक्सी हो गया, यहाँ पर इस तरह से है एंड यहाँ पर पैरेलल है, अप थोड़ा सा अप है, डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन है, इस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट इसका है, ठीक है। फिर यहाँ अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है, अल्टरनेट में यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम पूरा कम्प्लीट ही अल्टरनेट का है। फिर अपोजिट फाइलोटैक्सी है, अपोजिट में भी यहाँ पर अपोजिट है। एंड होल्ड वर्टिकली वर्टिकली फाइलोटैक्सी देख सकते हो, होल्ड का ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर ये आपको डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर हम लोग आगे मॉडिफिकेशन लीफ लीफ स्पाइन, ठीक है, लीफ का स्पाइन के हम लोग बारे में पढ़ने वाले हैं। देख सकते हो ये जेरोफेलिक प्लांट लाइक ऑप्टेनिया ओपोंटिया द एंटायर लीफ गेट्स मॉडिफाइड इनटू स्मॉल स्टीफ पॉइंट, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पाइन टू चेक ट्रांसपिरेशन, स्मॉल स्टीफ पॉइंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पाइन टू चेक, समटाइम ओनली ए पार्ट ऑफ लीफ सच एज स्टीपल्स गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइन टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग, ठीक है, ये ग्रेजिंग से बचाने के लिए ये स्पाइंस यहाँ पर जो ग्रो हुए हैं वो ग्रेजिंग से बचाने के लिए, ठीक है। एंड इसका एग्जांपल आपको पता है कैक्टस, एंड हाँ इसका एग्जांपल लास्ट टाइम भी आया था फॉर ग्रेजिंग के लिए ही आया था कि ग्रेजिंग के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा लीफ होता है, किस टाइप का लीव्स होता है, तो यहाँ पर कैक्टस का करेक्टर्स होता एंड ये PYQ था पैरामेडिकल वालों के लिए, पैरामेडिकल वालों का एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कैक्टस का। एंड यहाँ पर आ गया लीफ टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला स्प्रिंग टाइप का, इसे लीफ टेंड्रिल कहते हैं, ठीक है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया लीफ होक्स, ये होक्स टाइप का जो ये तीन टाइप देख सकते हो यहाँ पर होक्स जो दिख रहा है आपको, ये है लीफ होक, ठीक है, एंड आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाता है लीफ कम्प्लीट या फाइलोलेड, जिसको देखेगा लास्ट में फाइलोलेड है या मेन प्लांट है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इसमें छोटे छोटे पत्तियाँ दिख रही है, इसे फाइलोलेड कहते हैं। तो आई होप आपको ये वाला क्लास पसंद आया होगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए। एंड यहाँ पर हम लोग ओनली लीफ कवर किए हैं, तो अगले लेक्चर में क्या कहते हैं फ्लावर फ्रूट एंड सीड कवर करेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।